चलो बनाते हैं मलाई लड्डू। घेवर के लिए रबड़ी बनाई थी, उसी मैंने फ्राई पैन को ले लिया है। और इसमें मैं एक कटोरी मलाई डाल दूंगी जो एक दिन की है, 2 लीटर दूध की। अब मैं इसको आधा कर लेती हूँ भून के। इस तरह से इसको तेज गैस पर चलाते हुए दूध को आधा कर लेंगे। मैंने मलाई के लड्डू के लिए 250 ग्राम घर का बना हुआ पनीर लिया है। मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। दूध उबल के आधा रह चुका है। अब इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देती हूँ, इससे स्वाद भी बढ़ेगा और दूध गाढ़ा भी होगा। अब मैं इसमें पनीर डाल देती हूँ। पनीर को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसको लगातार चलाती रहूंगी। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं जिससे इसकी खुशबू बढ़ जाएगी, स्वाद भी बढ़ जाएगा। ये एकदम से सूखा होने तक मैं इसको भून लेती हूँ। आप इसमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने सूखा नारियल का बुरादा डाला। एक चम्मच इसमें घी डाल देती हूँ, उससे लड्डुओं का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मैंने ये मावा को कटोरी में पलट लिया है। अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद में मैं इसमें बूरा मिलाऊंगी। ये मावा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ये 100 ग्राम के करीब मोटा बूरा डाल देती हूँ, इसे तगार भी कहते हैं। और ये कुछ थोड़े से मैंने बादाम काट लिए, ये डाल देती हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल लें। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। ये मावा बूरा अच्छे से मिल चुका है। अब मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट। इसी तरह से मलाई के लड्डू बना के तैयार कर ले, बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं, जरा सी भी देर नहीं लगती। लड्डू बनके तैयार हैं। अब मैं इन पर नारियल का कोट कर देती हूँ ऊपर से, तो देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे और स्वादिष्ट भी लगेंगे। ये ऊपर से मैंने नारियल का कोट कर दिया है। मलाई के लड्डू एकदम दानेदार मुलायम बने, बहुत ही स्वादिष्ट। स्वादिष्ट रक्षाबंधन स्पेशल मलाई लड्डू बनके तैयार हैं। मैंने इन्हें रोज पैटर्न से सजा दिया है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और ये फटाफट बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मलाई के लड्डू के लिए जो मावा बनाए तो दूध को फुल गैस पर उबालें, उसे लगातार चलाते हुए मावा बनाएं, जिससे मावा सफ़ेद रहता है, पीला नहीं पड़ता है। मीठा अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा, जैसा आपको अच्छा लगता हो। लड्डू बनके तैयार है।